बिलासपुर नगर परिषद के 11 वार्डों में से 7 पर बीजेपी समर्थित व 4 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत होने के बाद जहां शहर की सरकार बनने में जहां भाजपा का कब्जा हुआ था, तो वहीं 6 बार नगर परिषद पार्षद रहे कमलेंद्र कश्यप को अध्यक्ष व कमल गौतम को उपाध्यक्ष पद चुना गया था। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा कार्यभार संभालने से पूर्व SDM बिलासपुर राजेश्वर दास ने उन्हें गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। वहीं शपथ समारोह कार्यक्रम में बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शपथ समारोह के बाद नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि बिलासपुर शहर भाखड़ा विस्थापितों का शहर है और न्यू टाउनशिप होने के बावजूद आज भी भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड द्वारा यहां के विकास के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं किए गए हैं, जबकि चंडीगढ़ व बिलासपुर शहर एक साथ बसाया गया था। साथ ही उन्होंने MOU के आधार पर बिलासपुर शहर को बिजली पानी फ्री न मिलने, रॉयल्टी के नाम पर कोई धनराशि न देने जैसे मुद्दों को वे CM जयराम ठाकुर व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के सामने रखेंगे ताकि बिलासपुर को उसका हक मिल सके। वहीं बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर शहर के सभी वार्डों का समान विकास किया जाएगा, साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे ताकि बिलासपुर में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही महर्षि व्यास ऋषि की तपोस्थली के नाम से जाना जाने वाला बिलासपुर शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जल्द ही व्यास की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस शहर के विकास के लिए 1 रुपया भी आज तक खर्च नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा इस डैम को बनने से जो MOU हुआ था उसमें पूरे जिला के लिए बिजली पानी फ्री करने की बात थी, वो नहीं मिल पाया। हमारी रॉयल्टी कंपनसेशन आज तक 1 रुपया भी किसी शहरवासी के खाते में जमा नहीं हो पाया। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां, दुविधाएं देश के विकास के लिए लोगों ने अपना जो त्याग दिया उसके बजाय उन्हें पुरस्कार मिलने की बजाय उन्हें प्रताड़ित और परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह शहर 999 वर्ष की लीज पर है और पूरे देश में इकलौता शहर है। और यहाँ पर नगर परिषद को आज भी अपनी सड़कें, नालियाँ या अन्य मूलभूत सुविधाएं जो जनता के लिए उपलब्ध करवाने की बात है उन्हीं पर हमारा सारा धनराशि व्यय हो जाती है, जबकि ये सभी कार्य भाखड़ा बैंड बांध मैनेजमेंट बोर्ड के कार्य थे जो उन्होंने नहीं किए। अब ये सारी की सारी प्रक्रियाएं, सारी की सारी परेशानियां, जो भी इस शहर की दिक्कत है वो हमने अपने एम्स का एक भार दिया है जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक विकास की एक किरण जिससे जगी है, तो बिलासपुर को उससे कितना फ़ायदा हमें मिल पाएगा ये भी एक लंबी उसमें हम चाहेंगे, एक उम्मीद करेंगे। और बिलासपुर हमारी, क्योंकि पालनपुर अगर 8,000 की पॉपुलेशन पर कॉरपोरेशन बन सकती है तो बिलासपुर हमारी पॉपुलेशन उससे दुगना है, उससे अधिक है, तो यहाँ भी हम उम्मीद करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि बिलासपुर को भी कॉरपोरेशन बनाया जाए और विशेष शहरों की श्रेणी में लाकर यहाँ के लिए भी एक विशेष आर्थिक पैकेज या अन्य पैकेज जो है वो दिए जाएँ, ताकि जो न्यू टाउनशिप की जो बात रहती है वो आज तक नहीं हो पाई वो हो पाए। बिलासपुर नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ समारोह जिसमें विधिवत रूप से सदर के SDM रामेश्वर जी ने अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप जी को अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई और कमल गौतम जी को उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह में सभी पार्षद आए और सभी पार्षदों ने यहाँ पर हिस्सा भी लिया और बिलासपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिक भी यहाँ उपस्थित हुए। मैं अपनी तरफ से अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस शपथ समारोह के माध्यम से आज बिलासपुर में जिस तरह से अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने अपने विचार भी रखे और अपने जो आगामी कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और लोगों को इससे संबोधित भी किया, उसी तरह से आज के दिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हमने भी नगर परिषद के सभी पार्षद गणों को भी यह विश्वास दिलाया है कि हम सभी
वार्डों का समान रूप से विकास भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश की माननीय जयराम ठाकुर जी के जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन सभी नीतियों के ऊपर बिलासपुर के लोगों ने जो समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, उनको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे और पात्र लोगों तक पहुंचाएंगे और यहां नगर बिलासपुर शहर को एक अच्छा शहर, साफ सुथरा शहर और आगे बढ़ता हुआ शहर टूरिज्म की दृष्टि से बिलासपुर का स्थान और बिलासपुर का नाम हो। मनाली को जाने वाला टूरिस्ट यहाँ रुके, यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, अन्य स्पोर्ट्स, यह सारी एक्टिविटीज यहाँ आने वाले दिनों में और फिशरी का जैसे डायरेक्टरेट है, एंगलिंग कंपटीशन, यह सारी चीज़ें और इसके माध्यम से टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे। और आज यह बिलासपुर व्यास ऋषि की तपोभूमि है जिसके ऊपर बिलासपुर का नाम भी रखा गया है और यहाँ पर व्यास ऋषि जी ने तपस्या की है, उन व्यास ऋषि जी की यहाँ गुफा है। आज यहाँ पर हमने व्यास ऋषि जी की एक यहाँ पर मूर्ति और प्रतिमा बने उसके लिए हमने कहा है। यह आने वाले दिनों में आप सभी को लक्ष्मीनारायण मंदिर में व्यास ऋषि की जो यहाँ पर यह तपोभूमि है इसमें व्यास ऋषि जी की यहाँ पर